इस नाग बालक के कारण कोई भी संकट उत्पन्न हो सकता है, इसलिए इसे सुरंग के अंदर दिव्य गरुड़ पंख के पास जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हनुमान, कहीं ये गरुड़ मुझ पे आक्रमण न कर दे। तुम चिंता मत करो नागभूषण, तुम्हें कुछ नहीं होगा, केवल मुझे छोड़ना मत। यदि ऐसा है तो मैं भी अपने मित्र को अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं भी इसके साथ यहीं रहूंगा। नहीं मित्र हनुमान, आप जाइए। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई हनुमान कि तुम्हारे लिए तुम्हारे मित्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। तुम्हारा मित्र भी हमारे साथ चल सकता है। किंतु महाराज, यदि इस नाग बालक के कारण कोई संकट उत्पन्न होता है तो हनुमान ही उसका उत्तरदायी होगा। उचित है, यदि मेरे मित्र से कुछ अनुचित हुआ तो उसका उत्तरदायित्व मेरा होगा। अब तो ठीक है चित्रकेतु, अब तो कोई आपत्ति नहीं है ना आपको। चलिए सब मेरे साथ प्रस्थान कीजिए। धन्यवाद जटायु जी। चलो मित्र। मंत्री जी। जी महाराज। वन संघ के सभी राजाओं को मेरी ओर से आमंत्रण पत्र भेज दीजिए। पुत्रवाली को वन संघ का अधिनायक बनाने हेतु सबकी सहमति आवश्यक है, इसलिए सबका आना अनिवार्य है। सब आएंगे महाराज, मुझे पूर्ण विश्वास है। युवराज बाली के आगमन से सब बहुत प्रसन्न होंगे और एक मत से युवराज बाली को अपना अधिनायक चुनेंगे। अब यह हास परिहास छोड़िए भैया, प्रतीत हो रहा है कि पिताश्री इसी ओर आ रहे हैं। उनके आने से पूर्व ही आप इस सिंहासन से उठ जाइए। करोड़ राज्य में इतनी बड़ी सुरंग। हनुमान कि तुम लोग बच गए। तुम्हें इस जगह की जानकारी नहीं है, तुम आगे मत चलो, मेरे पीछे पीछे चलो। ध्यान रखना, यहाँ पक पक पर सावधान रहना है। यह हमारी स्वचालित सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत किया गया एक बार था, जो कि हमारे दिव्य पंख को रखने की गई एक व्यवस्था है। अब मेरा ध्यान से अनुसरण करो, जहां जहां मैं पांव रखूं वहां वहां अपने पांव रखना। अब आगे बढ़ते हैं। जी।
युवराज, ये क्या? आप सिंहासन पर? यह आपको शोभा नहीं देता। आप अभी युवराज हैं। युवराज नहीं, महाराज। आपके महानतम महाराज वाली। परिहास कर रहे हो पुत्र वाली? मेरे पश्चात तो तुम ही सिंहासन पर बैठने वाले हो, अतः भी वहां से उठो और अपना उचित स्थान ग्रहण करो। पिताश्री, यही सर्वोत्तम स्थान है मुझ महानतम वाली के लिए। हाँ, आप अवश्य अपने लिए कोई उचित स्थान ढूंढ कर ग्रहण कर लीजिए। वाली, ये राज सिंहासन है, राज्याभिषेक के पश्चात ही कोई इसे ग्रहण कर सकता है, अतः सिंहासन से उठो और सिंहासन की मर्यादा का उल्लंघन मत करो। शक्ति और बाहुबल से भी राज सिंहासन प्राप्त किए जाते हैं पिताश्री। बस वाली, बहुत हो चुका तुम्हारा ये हट। कदाचित तुम नहीं जानते कि ये राजद्रोह है, अतः वहां से उठो, अन्यथा मुझे अपने राज्य अधिकार का पालन करते हुए तुम्हें दंडित करना होगा। पिताश्री, आंधियों के चलने से वृक्ष उखड़ जाते हैं, पर्वत नहीं हिलते। वाली पर्वत है, उसे हिलाने का प्रयास भी मत कीजिए, क्योंकि यहाँ किसी को भी ज्ञात नहीं है कि महानतम वाली, वरदान प्राप्त वाली क्या कर सकता है। महाराज, ये हम कहाँ आ गए? आगे तो मार्ग ही नहीं है और वो दिव्य पंख भी नहीं है। यहाँ पर तो मात्र अग्नि की दीवार है। ये अग्नि भित्ति मात्र एक छलावा है, एक माया है, ताकि अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले प्राणी इसमें प्रवेश ना कर सके। वास्तव में तो ये उस दिव्य पंख तक जाने वाला रहस्यमय द्वार है। तुम सब मेरे पीछे आओ।
ये हमारे खग विद्या के मंत्र रक्षक आचार्य हैं हनुमान। प्रणाम आचार्य जी। कल्याण हो महाराज जटायु। ये है हम गरुणों की दिव्य शक्ति, हमारे दिव्य पंख, जिन्हें 10 दिशाओं और 14 भवनों के केंद्र स्थल में स्थापित किया गया है। जिसके कारण हम गरुणों को 10 दिशाओं और समस्त भवनों के ऊपर समान रूप से उड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। आश्चर्यजनक है ये सब। खग विद्या से इन्हें यहाँ स्थापित किया गया है हनुमान। इनके द्वारा प्रदान की गई उड़न शक्ति के द्वारा ही समस्त पक्षी वर्ग अनेक संकटों से मुक्त रहते हैं। मैं इस दिव्य पंख की सुरक्षा के लिए पूर्णतः सुरक्षित था। मैं आश्वस्त था कि दिव्य पंख अपनी जगह पर सुरक्षित हैं, क्योंकि इस दिव्य पंख के अपने स्थान से हटते ही हम गरुणों की शक्ति धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाती है। अब तो आपको भी विश्वास हो गया ना चित्रकेतु जी, हमारा दिव्य पंख पूर्णतः सुरक्षित है। किंतु महाराज, आपको ये दिव्य पंख प्राप्त कैसे हुआ? हनुमान, गरुण जी और अरुण जी संसार के प्रथम पक्षी हैं, हम उन्हीं के वंशज हैं। किंतु उड़ने की शक्ति केवल गरुण राज के पास ही थी। इसीलिए उन्होंने हम गरुणों के कल्याण के लिए अपने इस दिव्य पंख को अभिमंत्रित कर हमें प्रदान कर दिया था। अर्थात ये दिव्य पंख किसी के भी पास चला गया तो उसे उड़ने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी? हाँ हनुमान। पंख की शक्ति का संधान तभी हो पाएगा जब उस जाति के लोग यज्ञ द्वारा दिव्य पंख को अभिमंत्रित कर इसको अपने पास रखें, और जब तक ये पत्र उनके पास रहेगा उनको उड़ने की शक्ति प्राप्त होती रहेगी। इस सुनहरे पत्र पर अंकित है उनका ये दिव्य मंत्र। लीजिए राजपुरोहित जी, इसे सुरक्षित स्थान पर पुनः रख दीजिए। हनुमान, दिव्य पंख और दिव्य मंत्र अपनी जगह सुरक्षित हैं। अब हमें वापस चलना चाहिए। प्रणाम आचार्य जी। कल्याण हो। चलिए
मेरे नागवीरों, तीव्रता से बढ़ो गरुड़ राज्य की ओर। एक क्षण हनुमान, जटायु जी, अब तो आप आश्वस्त हैं कि नागों में से किसी ने भी दिव्य पंख नहीं चुराए। वो अपने रहस्यमय सुरक्षा स्थान पे सुरक्षित हैं। और वैसे भी कोई भी नाग इस स्थान के रहस्य से परिचित नहीं है। अब तो आप मेरे पिताश्री नागराज पंचभन को मुक्त कर दीजिए। तुम पुनः हमारे महाराज पर दोषारोपण कर रहे हो। इसके लिए तुम्हें मृत्यु दंड दिया जा सकता है। क्या हुआ? प्रतीत होता है जैसे सर्प सूंघ गया हो सबको। यदि महानतम वाली ने अपने वरदान के बारे में बता दिया तो कहीं अचेत ही ना हो जाएं आप सभी। वाली, तुम्हें कोई भी वर प्राप्त हुआ हो, किंतु तुमने एक अक्षम्य अपराध किया है जिसके लिए तुम्हें दंडित अवश्य किया जाएगा, और वो दंड मैं स्वयं तुम्हें दूंगा। किस अधिकार से? राजा अब मैं हूं। मैं बैठा हूं किष्किंधा के राज सिंहासन पर। स्वीकार कर लीजिए पिताश्री कि अब आप राजा नहीं रहे। वाली, पुत्र, तुम तो ऐसे ना थे। राज सत्ता, राज सिंहासन, प्रभुता, महत्वाकांक्षा सब करा देती है पिताश्री। वाली भैया, आप पिताश्री का अपमान कर रहे हैं। सुग्रीव, बस वाली, उद्दंडता की सारी सीमाएं लांग चुके हो तुम। अब तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। दंड मुझे? सूर्य को दीपक से जलाने का प्रयास करोगे या लोह को लकड़ी से काटने का? पिताश्री, अब इस संसार में कोई भी शेष नहीं है जो मुझ महानतम वाली के समक्ष दो पल भी टिक सके। महाबली कोकक, ऐसा मत कीजिए पिताश्री। प्रणाम महाराज। युवराज बाली को बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। जी, यदि आपने शीघ्र ही महाराज पंचभन को मुक्त नहीं किया तो सारे नाग आक्रमण कर देंगे। और युद्ध कोई भी हो, उसका परिणाम विनाशकारी ही होता है।
बस महाराज, ये नाग बालक बार बार आपके ऊपर दोषारोपण कर रहा है। अन्य कोई होता तो अब तक उसका अंत कर चुके होते। सेनापति जी, अब ये नाग बालक हमारे दिव्य पंख के रहस्य को भी जान गया है। इस प्रकरण को हम गरुड़ सभा में ले जाएंगे। हाँ महाराज, वहाँ सभी गरुड़ निर्णय करेंगे कि इस नाग बालक को मुक्त करना उचित होगा या नहीं। गरुड़ सभा में निर्णय होगा इस नाग बालक का। गरुड़ सभा में निर्णय होगा इस नाग बालक का। ठीक है, अगर आप लोगों की यही इच्छा है तो इस नाग बालक के भाग्य का निर्णय गरुड़ सभा में ही होगा। जाने अब मित्र भूषण के साथ क्या होने वाला है गरुड़ सभा में।